हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हम तो हर जुल्म की दीवार गिरा देते हैं। आसमाने अदब का दरहशिंदा सितारा, जो अपनी सलाहियतों के बलबूते और अपनी पुरसौज आवाज के साथ उर्दू अदब की एक जिंदा मिसाल है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहती हूँ डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड पब्लिकेशंस जनाबे मोहतरम शेख रशीद साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहराम रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात डॉक्टर ताहिर अकील साहब और बहुत मोहतरम सौदागरान हरूफ व लफ्ज हाफ हयात की सरजमीन पर सोनी के शहर से वफाओं की सरजमीन से गुजरात की इस दानिशगाह में शेख अब्दुल रशीद आपको खुशामदीद कहता है। ख्वातीनो हजरात, महफल अल्फाज के सौदागरों की है, महफल लफ्जों को औजार बनाकर फतह का झंडा गाड़ने वालों की है। उनकी महफल में बेजुबान हो जाना ही हम कलामी कहलाती है। इसलिए आपसे हम कलाम होने के लिए हैदर मेराज के बाद कुछ बचता नहीं, बचता ही नहीं है, जचता भी नहीं है, क्योंकि हैदर ही है जिसने आज लफ्जों के जरिए दीवार की लुकनत को दीवार की तमकनत बना के आपके सामने पेश कर दिया। बहुत खुशी हुई इस वजह से कि आज पाकिस्तान की बहुत सी दानिशगाहों के रोशन सितारे गुजरात की सरजमीन पर चमकने आए। वो उस तरह नहीं आए जिस तरह रानी गुजरा यहां फतह करने के लिए आई थी, वो उस तरह आए हैं कि वो हार कर जीत को अमर कर देना चाहते हैं। तो आज जीतने वालों को मुबारक हो कि वो हार का आलम बुलंद करने वालों की हौसला अफजाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये मजलसे मुकालमा है और मजलसे मुबाहसा है उस पाकिस्तान के रोशन सितारों की मजलसे मुबाहसा जिस तक जिसका खूबसूरत और रोशन मुस्तकबिल माजी के नौहों में कहीं गुम होकर रह गया है। आइए नौहों की रस्म को तर्क करके उम्मीद बांटने, हौसला बांटने और ख्वाब बखेरने का नया कारोबार शुरू करें। मैं आप सबको वो एक पुरानी दास्तान जो लफ्ज के आगाज पर मैंने एक दफा सुनाई थी वो दोहरा देना चाहता हूं कि आज से कमोबेश 1500 साल कबल जब सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा तो सुकरात ने आप जैसे लफ्ज के सौदागरों के लिए एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा था जो मैं आपको हदिया करना चाहता हूं। जब सुकरात ने जहर पी लिया तो उसके बहुत होनहार शागिर्द क्रिटो ने उससे पूछा, क्रिटस कहने लगा, उस्ताद अब बताओ अब तुम्हारी तजहीज़ो तकफीन कैसे करें। तो एक लम्हे के लिए रोका सुकरात ने और कहा, क्रिटो याद रखना, होश से किसी से उसकी तदफीन का पूछना, क्योंकि लफ्ज इस जिंदगी में आप सबके लिए पास इमानत है। और वो जुमला जो उसने अपनी जिंदगी का आखिरी जुमला कहा, सुकरात का वो जुमला आज की इस मजलिस मुबाहिशा का मंसूर होना चाहिए। उसने कहा था कि याद रखो क्रिटो, लफ्जों का गलत इस्तेमाल दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। को लफ्ज के सुदागरों, लफ्ज की हुरमत की पासपानी तुम्हारा मंजूर और नस्कुलैन होना चाहिए। आप जानते हैं ना, क्योंकि आप लफ्जों से खेलते हैं, आप जानते हैं कि लफ्ज जौहरे कायनात है। लफ्ज के बगैर कुन ना होता तो ये फायकुन हमें नजर ही नहीं आ सकता था। ये सब कुछ जो है वो लफ्जों का मोहताज है। इस कायनात की बेमानवियत को माने बख्शे थे लफ्ज ने, और आप उस मानों से अगर कोई नया अफसाना तख्लीक ना कर सके तो फिर आप मुस्तकबल शनास हम कलाम होने वाले लोगों में शुमार नहीं किए जा सकते। आए हैं आप गुजरात में तो आपको बताना है कि उस सरजमीन पे आए हैं जहां लफ्जों के शाह सवारों ने जन्म लिया था। इस बस्ती को लोग सुखनवरों की बस्ती कहते हैं। ये सुखनवरों का शहर है, ये सोनी की मोहब्बतों का शहर भी है, ये सर सैयद का खित्ता यूनान भी है, ये फौजी माहरीन का गेटवे टू कश्मीर भी है, और यकीनन आपने देखा ये अख्तर शेरानी का कहा हुआ वादी रोमान भी है। ये इम्तजाज है रोमान का, वफा का, मोहब्बत का, और शायद उसी इम्तजाज पर निशाने हैदर वारे वारे जाते हैं। आज तारीख पाकिस्तान के तनाजर में आपसे ज्यादा खूबरू जवानों ने इस वतन की
हुर्मत के लिए अपनी जान बख पेश की थी और पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा निशान हैदर गुजरात की मट्टी पे मारे गए हैं। हमारा एजाज है कि हमने इस मुल्क की हुर्मत के लिए जान दी है। याद है ना आपको, पाकिस्तान की तारीख में आवाज दोस्त से बड़ी लफ्जों की कारीगरी मौजूद नहीं है, जिसका एक एक मिसरा और जिसका एक एक फिक्रा पूरी पूरी किताब पर हासिल है वो मुख्तार मसूद गुजरात के शहर जलालपुर जट्टा पे पैदा होता है, जिसने हुर्मत बख्शी है सफर नशीब को और लोहे अयाम लिख के आप जैसे बहुत से मवासों के लिए बहुत मवाद दिया। जानते हैं ना आप, आज अगर पाकिस्तान के इस ऐसे मंजरनामे पे जहां हिचकियां भी रोना भूल गई हैं, वहां अगर कोई आपके लबों पर मुस्कुराहट बांटता है अनवर मसूद, तो वो गुजरात की धरती आपको तोहफतन पेश करती है, वो गुजरात का बेटा है। जानते हैं ना आप कि पाकिस्तान की नामवर फिल्म इंडस्ट्री के नामवर लोग सबिया खानम से लेके सब बड़े बड़े नाम जितने हैं वो गुजरात के एक छोटे से गांव लखनवाल से जन्म लेते हैं। और आप पाकिस्तान में अगर एक थिएटर की गूंज है और आप जैसे बहुत से लोग अगर आज रफी पीर थिएटर के जरिए जानते और पहचाने जाते हैं और टिकट लेकर उसके प्रोग्राम देखते हैं, तो रफी पीर जलालपुर जट्टा में जन्म लेता है। उस्मान पीरजादा के वालिद ने रफी पीर थिएटर की बुनियाद गुजरात की सरजमीन पर रखी थी। तो ये हुनरमंदों, ये फनकारों, ये दानश्वरों की अमाजगाह है। ये एक दानिशगाह में बैठे हुए नौजवानों से पूछती है कि लफ्जों का कारोबार करने आए हो, यहां लफ्ज तो खुद बिखरे पड़े हैं, लफ्जों को प्रोकर जोड़कर इस कौम का कौमी तराना लिखो जिसमें इसका मुस्तकबिल पोशीदा हो, जो इसको नजर आए, ख्वाब लिखो उसके साथ, ख्वाब देखना शुरू कर दो। तो आइए गुजरात की सरजमीन पर इस मजलिस मुबाइसा को किसी ऐसे मंशूर से जोड़ दें कि वो वाकईतन सोनी मेवाल की दास्तान बने। आपने महज से एक रोमान की दास्तान समझाना, आप लफ्जों के सौदागर थे, अब उम्र के उस हिस्से में थे, उस हिस्से में हैं जहां पड़ी हुई मैयत भी आपको सिर्फ मुस्कुराहट देती है। आपको इल्म नहीं है कि वो सोनी इस तबकाती निजाम में मजामत की अलामत थी, उसने इज्जत बेग के साथ मोहब्बत नहीं रचाई थी, मेरे और आप जैसे बहुत से कमजोर तबकों की आवाज उठाई थी और बगावत का आलम बुलंद किया था एक जागीरदाराना निजाम के खिलाफ। उसका कच्चा घड़ा मैं और आप थे जो उसका साथ नहीं दे सके थे, वो ताना था आपके लिए और मेरे लिए। आज अपने घड़ों को मजबूत कीजिए कि आपकी सोनी किसी इज्जत बेग को भी इज्जत बख्श सके। अगर वो उस वक्त भी इज्जत बेग को इज्जत नहीं दे सकी थी तो सिर्फ इस वजह से कि मैं और आप उसका घड़ा साबित नहीं हुए थे, उसके साथ खड़े नहीं हुए थे। आइए लफ्जों के जरिए मजलिस मुबाहसा में लोगों को एक नई सोनी से मुतारफ कराएं, इस तबकाती निजाम में मजाहबत का एक नया मंशूर लिखें और इस कौम को एक नस्बुलान दें कि यकीनन कौम जान सके कि अगर इज्जत बेग के हाथ को इज्जत बख्शनी है तो फिर सोनी के घड़े को मजबूत करना है। हमें उन लहरों को पार करना है जो खुश्क होती हुई चनाब है, हमारे पानियों की नोक टोक ने हमारे मसाइल पैदा किए हैं। तो ऐ नौजवाना ने हुनरमंद, याद रखिए अब गुजरात आए हैं। गुजरात सिर्फ रानी गुजरा की सरजमीन नहीं है, इसी खित्ते से गुजरकर पहली दफा एक फाते के खाब चकनाचूर हुए थे और इससे बिल्कुल अपार सिकंदर को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज से हजारों साल कबल हमने बादशाहत के निजाम को चाक चाक किया था, अब उन अबासी दौर के मुकर्ररों, मुबाहसों और मुबल्लिगों की जरूरत इस कौम को नहीं है जो सिर्फ लफ्जों से, बेरू लफ्जों से, बेरू अजान से लोगों को जगाने की कोशिश करते थे। आइए आज इस अहद के साथ इस मजलिस से मुबाहसा का आगाज करें कि हम अपने लफ्जों को उस हुर्मत का निशान बजाएंगे जिसके कुन से फाया कुन हो जाती है। और जानते हैं ना आप, लफ्ज ना होते तो कुरान नाजल ना होता। आज 2017 में एक दफा फिर आपके सामने लफ्ज उतरा है आसमान से, ये इस्तारा है आपके लिए कि फिक्र से उस लफ्ज को देखिए और उस हुर्मत पर कुर्बान जाइए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।